कि देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए आपके पास जो NH3 है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना, ठीक है, तो वो H पॉजिटिव गेन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उससे वो NH4 पॉजिटिव नहीं बना सकता, और पॉजिटिव चार्ज आएगा किससे, नाइट्रोजन पे, ऐसा हो सकता है ना जी। तो इसी बेस पे ये है, हम अगली बात शुरू करते हैं अपने, और वो है बेसिसिटी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइमरी अमाइन, अच्छा तीनों अमाइन्स लिखता हूँ। देखिए सबसे पहले है आपके पास CH3, CH2, NH, इसके पास लोन पेयर होगा। सेकेंडरी अमाइन लिखते हैं CH3, NH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे लिखते हैं CH3, NCH3, CH3। मैं कहता हूँ यार नाम भी लिख ही लेते हैं कि, तो ये है आपके पास इथाइल अमाइन, ये है आपके पास डाइमिथाइल अमाइन जो कि सेकेंडरी अमाइन है, और ये आपके पास ट्राइमिथाइल अमाइन है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है पूरा, ठीक है, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये जो है ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा यानी कि, ठीक है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा, तो यहाँ से ये जो है ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहाँ पे आ गए हैं आपके पास दो एल्काइल ग्रुप, तो यानी कि ये दो दोनों तरफ से इसको नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है, और यहां पर भी देखिए लोन पेयर था, यहां पर भी लोन पेयर है, और यहां पर भी लोन पेयर है, ठीक है, और यहां पर तीन नाइट्रोजन है, तो यानी कि इसको तीन डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाइट्रोजन को डोनेट होंगे, ठीक है, ओके। तो इससे होगा ये कि देखिए जो टर्शरी अमाइन है यानी कि जो ये ट्राइमिथाइल अमाइन है इसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, सो जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी नाइट्रोजन एटम के ऊपर वो इंक्रीज हो जाएगी, तो वो जो है वो एच पॉजिटिव आयन जो है वो रेडिली गेन करेगा, ठीक है, तो इसलिए वो ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है, तो इसको लिख लेता हूँ, इस रीजन को आपको लिख लेता हूँ, और वो लिखते हैं हम देखेंगे इन ट्राइमिथाइल अमाइन यानी कि जो टर्शरी अमाइन है देयर आर मोर एल्काइल ग्रुप्स विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस इन टर्शियरी अमाइन।
gains the H positive आयन readily, ठीक है। तो ये जो है ये उसकी रीजन, ठीक है।